साल 1939, स्पेन में सिविल वॉर चल रहा है। इसी दौरान हम एक गांव में एक नन्ही बच्ची को देखते हैं। सारे गांव वाले इस बच्ची को पवित्र मानते हैं, क्योंकि इस बच्ची का कहना है कि उसे मदर मैरी दिखाई दी है और सबसे छूकर ईश्वर के और करीब जाना चाहते हैं। इसके कुछ वर्षों के बाद हम एक सिस्टर को बोरिया बिस्तर के साथ चर्च में आते देखते हैं। वो सिस्टर चर्च की दीवार पर बंदूक की गोलियों के निशान देखती है। तब वहाँ सिस्टर जूलिया आती है। सिस्टर जूलिया बताती है कि ये जगह पहले कॉन्वेंट था, फिर सिविल वॉर हो गया जिसके चलते इस जगह को खाली करना पड़ा और ये गोलियां उसी टाइम की है। मैं बता दूं कि कॉन्वेंट वो जगह है जहाँ पे बहुत सारी नंस एक साथ रहती हैं और अपना सारा जीवन ईश्वर की सेवा में बिताती हैं। सिस्टर जूलिया नई सिस्टर को अंदर ले जाती है और बताती है कि सिविल वॉर के बाद बिशप ने इस कॉन्वेंट को गर्ल्स स्कूल में कन्वर्ट कर दिया और पुराने लोगों में हम तीन, सिस्टर सुपीरियर, सिस्टर सकैरियो और सिस्टर जूलिया यानी कि खुद, ये तीन ही बचे हैं, बाकी सब चले गए। सिस्टर जूलिया नई सिस्टर को बाहर इंतजार करने का बोलकर सिस्टर सुप्रिया से मिलने अंदर चली जाती हैं। नई सिस्टर बाहर इंतजार कर ही रही है कि तभी कंचा लुढ़क कर उनके सामने आकर रुक जाता है। नई सिस्टर इधर उधर देखती है पर उन्हें कोई नजर नहीं आता। तभी सिस्टर जूलिया नई सिस्टर को सिस्टर नार्सिसा कहकर अंदर बुलाती है। अंदर सिस्टर सुपीरियर सिस्टर नार्सिसा को देखकर काफी खुश होती हैं और सिस्टर नार्सिसा का गर्मजोशी से स्वागत करती है। सिस्टर सुपीरियर सिस्टर नार्सिसा को उस बच्ची की तस्वीर दिखाती है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखी थी और बोलती है कि सिस्टर नार्सिसा ने जब अपने बचपन में मदर मैरी को देखा तब स्पेन के लोगों में विश्वास की एक नई भावना जागी और हम समझ पाते हैं कि सिस्टर नार्सिसा ही वही बच्ची है। सिस्टर सुपीरियर बोलती है कि वो बहुत खुश है कि एक पवित्र बच्ची बड़ी होकर उनके स्कूल में पढ़ाने आई है और साथ ही सिस्टर नार्सिसा अपनी नन की सारी रस्में भी पूरी करेंगी। नन वाली बात को सुनकर सिस्टर नार्सिसा थोड़ी परेशान होती हैं। इसके बाद सभी सिस्टर एक साथ डिनर करती हैं पर सिस्टर नार्सिसा कुछ खा नहीं रही। इसके बाद नार्सिसा अपने रूम में जाती है और रूम को एक हारे हुए इंसान की तरह देखती है जैसे वो मान चुकी हो। इसके बाद नार्सिसा अपना बैग खोलती है जिसमें हम एक कोड़ा देखते हैं। नार्सिसा अपना बैग ऊपर अलमारी में रखने की कोशिश करती है पर बैग उस जगह पे फिट नहीं आ रहा। सिस्टर नार्सिसा देखती है कि अलमारी के ऊपर एक वुडन बॉक्स है जिसमें कैंची है, कुछ चिट्ठियां हैं और एक लाश की फोटो है जिस पर लिखा है सिस्टर सोरो को। नार्सिसा ये सब देख ही रही है कि वहाँ रखी चेयर हिलती है। नार्सिसा को लगता है कि ये शायद उसका भ्रम है लेकिन तब चेयर जोर से हिलती है और गिर जाती है। नार्सिसा काफी डर जाती है और उसके बाद अचानक दरवाजे पर जोरदार नॉक्स होती हैं। नार्सिसा रूम से बाहर आकर देखती है पर वहाँ कोई है ही नहीं। तभी नार्सिसा को सामने दीवार पर एक स्केच दिखता है। अगले दिन सब प्रार्थना कर रहे हैं पर नार्सिसा अपने ही विचारों में खोई है। इसके बाद नार्सिसा कन्फेशन रूम में बैठती है। कन्फेशन वो जगह होती है जहाँ कोई व्यक्ति अपने पापों और अपनी दुविधाओं के बारे में पादरी को बताता है पर पादरी ना उस आदमी का मुंह देख सकता है ना आदमी उस पादरी का मुंह देख सकता है। नार्सिसा कन्फेस करती है कि वो अभी नन बनने को तैयार नहीं है। उसके मन में बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे संदेह है। जब उसे बचपन में मदर मैरी दिखाई दी तब से बहुत सारे लोग उससे आकर मिलते हैं, उसे सवाल पूछते हैं पर नार्सिसा के पास उनका कोई जवाब नहीं होता और नन बनने का फैसला भी नार्सिसा का ही था ताकि उसे उन सवालों का जवाब मिल सके और वह एक बार फिर मदर मैरी को देख सके, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसने मदर मैरी को दोबारा नहीं देखा। उसे शक है कि जो उसने देखा वो मदर मैरी थी भी या नहीं। वो बस चाहती है कि ईश्वर एक इशारा कर दे ताकि उसका विश्वास पक्का हो जाए कि उसने जो देखा वो मदर मैरी ही थी। इस पर कन्फेशन बॉक्स के दूसरे साइड बैठे फादर बोलते हैं कि नार्सिसा को धैर्य रखना चाहिए, वो यहाँ आई है तो निश्चित ही भगवान की मर्जी है। अब नार्सिसा को चाहिए कि वो यहाँ आने के मकसद को पता करे कि भगवान ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। इसके बाद नार्सिसा अपने स्कूल की पहली क्लास अटेंड करती है। सभी बच्चे प्रार्थना करते हैं। इसके बाद नार्सिसा बोर्ड पर अपना नाम लिखती है जिसे देखकर एक बच्ची काफी परेशान होने लगती है और बाकी लड़कियां भी बातें करने लगती हैं। इस पर नार्सिसा सबको डांटती है। तब वो लड़की जिसका नाम रोजा है वो हाथ उठाती है और क्लास से बाहर जाने की इजाजत मांगती है। नार्सिसा बोलती है कि क्लास तो अभी शुरू भी नहीं हुई और तुम्हें बाहर जाना है। इस पर रोजा बोलती है कि उसने सुसु कर दी है और इसके बाद नार्सिसा उसे टॉयलेट भेज देती है। अगले सीन में सिस्टर सुपीरियर अपनी जवानी की फोटो नार्सिसा को दिखा रही है। इसके बाद सिस्टर सुपीरियर कुछ लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। नार्सिसा आगे फोटो एल्बम में दूसरी सिस्टर की फोटोज को भी देखती है लेकिन उसे एक फोटो मिसिंग मिलती है। नार्सिसा अपने कमरे में आकर एक बार फिर सिस्टर सोकोरो की तस्वीर देखती है और तभी वो कुर्सी एक बार फिर लुढ़क जाती है। नार्सिसा उस कुर्सी को उठाती है तो दरवाजे पर दोबारा नॉक होती है। नार्सिसा दरवाजे की तरफ बढ़ती है तो उसे एक औरत के रोने की आवाज आती है। नार्सिसा दरवाजा खोलती है तो वह एक कंचा पड़ा है। वो कंचा जमीन पर खींची एक लाइन के साथ लुढ़कना शुरू कर देता है। नार्सिसा उस कंचे का पीछा करती है। पीछा करते करते नार्सिसा नीचे बेसमेंट पहुंच जाती है जहाँ पुरानी टूटी मूर्तियां रखी हैं।
वह नार्सिसा को जमीन पर पड़ा एक सामान मिलता है। नार्सिसा उसे खोलकर देखती है। वो सामान एक कटा हाथ है। नार्सिसा ये बात सिस्टर सुप्रिया और सिस्टर जूलिया को बताती है। सिस्टर जूलिया पूछती है कि इतनी रात में नार्सिसा नीचे बेसमेंट में क्या करने गई थी। नार्सिसा बोलती है कि उसे लगा कि नीचे कोई बच्ची छिपी है, पर सिस्टर जूलिया को इस बात पर शक होता है। सिस्टर सुपीरियर बताती है कि सेंट मार्था का हाथ है जो सिविल वॉर के दौरान खो गया था, और इसका दोबारा मिलना एक चमत्कार है। इसके बाद नार्सिसा देखती है कि एक सिस्टर बेकरी में रात को भी काम कर रही है। नार्सिसा के पूछने पे बूढ़ी सिस्टर बताती है कि स्कूल के लड़कियों ने शराब वाली और गुलाब जल वाली बर्फ़ें मिला दी है और उन्हें अब अलग करना है, पर उन्हें चेक करने का तरीका एक ही है, उन्हें खा कर देखना। सिस्टर नार्सिसा एक बर्फी मुंह में डालती है और चबाती है, पर उसे वो अजीब लगती है। बूढ़ी सिस्टर दूसरी बर्फी भी खाने को बोलती है। नार्सिसा मना करती है, पर बूढ़ी सिस्टर गुस्सा होकर दूसरी बर्फी भी खाने को बोलती है। नार्सिसा दूसरी बर्फी भी मुंह में डाल लेती है। अब बूढ़ी सिस्टर हंसने लगती है। नार्सिसा अपने मुंह से कुछ निकालती है। अब उसके मुंह से खून निकलने लगता है। नार्सिसा फिर दोबारा कुछ उगलती है। नार्सिसा देखती है कि उसके मुंह से दो आंखें निकली हैं। नार्सिसा हैरानी में सामने देखती है तो बूढ़ी सिस्टर जोर जोर से हंस रही है और पीछे खिसक रही है, और जब वो अपने मुंह से हाथ हटाती है तो उसकी आंखें गायब होती है। नार्सिसा के होश उड़ जाते हैं और वो जोर से चिल्लाती है और जग जाती है। अगली सुबह दो बच्चियां नार्सिसा के रूम में आती हैं। उनमें से एक बच्ची कमरे की दीवार पे वही स्केच देखती है जो नार्सिसा ने पिछली रात रूम के बाहर देखा था, पर इस बार इस स्केच में एक लाइन ज्यादा है। नार्सिसा रोज और उसकी बहन से मिलती है। नार्सिसा रोज से क्लास में उसके सुसु करने की वजह पूछती है। रोज बताती है कि ब्लैक बोर्ड पर नाम लिखने के कारण वो काफी डर गई थी। इस पर नार्सिसा इसका कारण पूछती है, पर रोज मुस्कुरा कर बात टाल देती है। बाकी सभी सिस्टर प्रार्थना कर रही है। नार्सिसा देखती है कि उसके हाथ में लगी माला के मन के पिचक रहे हैं और उनसे खून निकल रहा है। उसके पूरे हाथ पर खून ही खून है। उसके बाद नार्सिसा खुद को सामने पड़ा देखती है और वो हवा में उड़ने लगती है। तभी सिस्टर जूलियन नार्सिसा को हिलाती है। नार्सिसा देखती है कि उसके सामने कोई नहीं है। उसकी माला भी एकदम ठीक है, यानी कि वो सब एक बहम था। रात को रोज की छोटी बहन को सुसु लगती है, पर वो अकेले जाने में डर रही है, इसलिए वो रोज को साथ चलने के लिए बोलती है। रोज और उसकी बहन साथ टॉयलेट जाते हैं। उधर नार्सिसा खुद को कोड़े मार रही है और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि वो उसे कोई इशारा दे ताकि उसके मन से शक दूर हो। दूसरी तरफ रोज टॉयलेट के बाहर अपनी बहन का वेट कर रही है। तभी रोज को बाथटब में पानी के चलने की आवाज आती है। रोज देखती है कि बाथटब के पास एक कैंची है। तभी रोज की बहन वहां आ जाती है। रोज कैंची को उठाकर नल बंद करने वाली होती है कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। रोज देखती है कि बाथटब का पानी जोर जोर से हिल रहा है और बाथटब में एक फेस है। रोज बाथटब के पास आकर देखती है कि उसमें एक लड़की के बाल तैर रहे हैं। इधर रूम में नार्सिसा शीशे में एक सिस्टर को देखती है। तभी चेयर फिर से गिर जाती है। इससे नार्सिसा काफी डर जाती है। उधर टॉयलेट में रोज बाल उठाकर देखती है। तभी वहाँ सिस्टर जूलिया आ जाती है। तब वहाँ एक बच्ची के चिल्लाने की आवाज आती है। नार्सिसा बच्चों के बेडरूम में पहुँचती है। वहाँ एक बच्ची रो रही है क्योंकि किसी ने उसके बाल काट दिए हैं। तभी सिस्टर जूलिया रोज को लेकर भी वहाँ पहुँच जाती है और इल्जाम लगाती है कि रोज ने ही बाल काटे हैं। रोज बोलती है कि उसने कुछ नहीं किया, ये भूतिया लड़की का काम है, उसी ने किया है। वो बाथटब में डूब रही थी और मदद मांग रही थी। इस पर सिस्टर जूलिया एक जोर का लाफा रोज के मुंह पे लगाती हैं और नार्सिसा को अपने रूम में जाने को बोलती हैं। नार्सिसा अपने रूम में आती हैं और देखती है कि बॉक्स में से कैंची गायब है। नार्सिसा सिस्टर सोकोरो की तस्वीर लेकर कब्रिस्तान में उनकी कब्र ढूंढती है। इस पर लिखा था कि सोकोरो 1936 में ही मर गई थी। नार्सिसा रोज से मिलने जाती है। रोज को सजा के रूप में एक छोटी सी जेल में कैद कर रखा है। नार्सिसा रोज से उस कैंची के बारे में पूछती है और उस भूतिया बच्ची के बारे में भी पूछती है। रोज बताती है कि उसे वो कैंची टॉयलेट में मिली थी और बताती है कि स्कूल में एक बच्ची की आत्मा भी है, हमें इसके साथ खेलना नहीं चाहिए और ना ही उसकी बनाई हुई ड्राइंग को छूना चाहिए। आपसे पहले जो सिस्टर थी, सिस्टर आइनस, उन्होंने इस बात का विश्वास नहीं किया और ड्राइंग में लाइन खींच दी। फिर उस भूतिया बच्ची ने सिस्टर आइनस का नाम बोर्ड पर लिख दिया। इसके बाद सिस्टर आइनस काफी डर गई और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। उनकी जगह अब आपको बुलाया गया है। रोज आगे बताती है कि बोर्ड पर जिसका नाम लिखा जाता है वो श्रापित हो जाता है।
अगले दिन नार्सिसा नन बनने की तैयारी के लिए सिस्टर आइनेस की ड्रेस पहनती हैं और सिस्टर सुप्रिया से भूतिया बच्ची के बारे में पूछती हैं। सिस्टर सुप्रिया इन बातों को बकवास बोलकर और ड्रेस को उतार कर रख देने का बोलकर चली जाती हैं। नार्सिसा अपने चेहरे पर घूंघट डालती है, तभी अचानक घूंघट पीछे से खींचने लगता है और नार्सिसा का गला घुटने लगता है। फिर इसके बाद नार्सिसा की ड्रेस भी टाइट होने लगती है। नार्सिसा अचानक उड़ जाती है। नार्सिसा एक बार फिर सपना देख रही थी। नार्सिसा देखती है कि उसकी रूम की दीवार पर बने स्केच पर एक हाथ और एक पैर और भी ड्रॉ हो गया है। क्लास में नार्सिसा सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ा रही है और सबको बताती है कि सूर्य ग्रहण को देखना नहीं चाहिए, इससे आप अंधे हो सकते हैं। तभी क्लास में बैठी रोज ब्लैक बोर्ड की तरफ देखती है और उठकर चली जाती है। नार्सिसा देखती है कि ब्लैक बोर्ड पर किसी ने रोज का नाम लिख दिया है। नार्सिसा काफी डर जाती है और रोज के पास जाती है। नार्सिसा रोज से बोलती है कि वो रोज की भूतिया बच्ची वाली बात पर विश्वास करती है, पर नार्सिसा भी उसे देखना चाहती है और उसके लिए वो रोज से मदद मांगती है। रोज और नार्सिसा नार्सिसा के रूम में ड्राइंग के पास खड़े हैं। नार्सिसा रोज को ड्राइंग पूरा करने को बोलती है। वो दोनों प्रार्थना करते हुए साथ मिलकर ड्राइंग को पूरा करते हैं। इसके बाद नार्सिसा पीछे मुड़कर देखती है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो रोज को बोलती है कि कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। तभी वहाँ कुर्सी गिरती है और रोज को क्रॉस के पास कुछ दिखाई देने लगता है। नार्सिसा उसे छूने की कोशिश करती है पर नार्सिसा को कुछ भी दिखाई नहीं देता। रोज बताती है कि वो आत्मा नार्सिसा के पीछे ही है पर वो बच्ची की आत्मा नहीं है। नार्सिसा पीछे मुड़कर देखती है तो रोज गायब हो चुकी है। नार्सिसा पूरे स्कूल में रोज को ढूंढती है पर रोज कहीं नहीं मिल रही। नार्सिसा को सिस्टर जूलिया मिलती है। सिस्टर जूलिया को नार्सिसा बताती है कि वो भूतिया बच्ची वो ड्राइंग का शापित होना ये सब सच है, ये कोई बच्चों का झूठ नहीं है। सिस्टर आइना भी उस भूतिया बच्ची से डर गई थी इसलिए वो चली गई। पर सिस्टर जूलिया इसे नार्सिसा का झूठ बोलती है और बोलती है कि नार्सिसा ड्रामा कर रही है ताकि एक बार फिर वो बचपन के जैसी फेमस हो जाए। नार्सिसा ने बचपन में भी झूठ बोला था और आज फिर से झूठ बोल रही है। सिस्टर जूलिया नर्स को नन ना बनने को बोलती है, साथ ही स्कूल से चले जाने को भी बोलती है क्योंकि नार्सिसा एक झूठी और मक्कार औरत है। नार्सिसा कन्फेशन रूम में आती है, वहाँ वो रोज की आवाज सुनती है। वो कन्फेशन चैम्बर का दरवाजा खोलती है पर दरवाजा लॉक है। नार्सिसा दूसरे कैबिन में जाती है और तभी उस कैबिन का दरवाजा भी खुद ही बंद हो जाता है। नार्सिसा दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है कि तभी उसे एक मर्दाना आवाज आती है। नार्सिसा देखती है कि जिस कैबिन में रोज है वहाँ अंधेरा है। वो मर्दाना आवाज बोलती है कि नार्सिसा ने सब कुछ जानते हुए भी एक निर्दोष बच्ची का इस्तेमाल किया ताकि अपनी शक का इलाज कर सके। और तभी उस डार्क रूम में से आवाज आती है, जरूरी नहीं हमेशा आँखों से सब दिखाई दे। नार्सिसा डर जाती है और नार्सिसा करीब आकर डार्क रूम में देखती है और उसे वहाँ बहुत सारी आँखें दिखती हैं। और फिर अचानक बहुत सारे हाथ नार्सिसा को पकड़ लेते हैं। नार्सिसा काफी डर जाती है और चैम्बर से बाहर निकलती है। उसे एक बार फिर रोज की प्रार्थना की आवाज सुनाई देती है और कैबिन का दरवाजा खुलता है। कैबिन के अंदर रोज की लाश लटकी है। नार्सिसा काफी डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। सब रोज की लाश के पास खड़े हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सिस्टर जूलिया नार्सिसा के पास आती है और नार्सिसा को रोज की मौत का कारण बताती है और एक बार फिर स्कूल से चले जाने को बोलती है। नार्सिसा अपने रूम में आती है और गिरी कुर्सी को सीधा रखती है और जोर जोर से रोती है। उसके बाद बोरिया बिस्तर उठाकर स्कूल से चल देती है। अब सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। नार्सिसा सूर्य की तरफ देखने लगती है ठीक वैसे ही जैसे उसने बचपन में देखा था। सिस्टर जूलिया नार्सिसा को ऐसा करते हुए देखती है। नार्सिसा सूरज को देख रही है। ग्रहण पूरा होता है और नार्सिसा एक बार फिर देवीय छवि देखती है। नार्सिसा की आंखें अब सफेद हो चुकी हैं। नार्सिसा भूतकाल में देखती है कि सिविल वॉर के टाइम पर चर्च पर हमला हुआ था। विद्रोहियों ने मूर्तियां तोड़ दी थी
और लूटपाट भी की थी। नार्सिसा देखती है कि एक विद्रोही ने सिस्टर सोरोको के साथ बलात्कार किया था। ये देखकर नार्सिसा चिल्ला देती है। हम देखते हैं कि नार्सिसा की आंखें जल चुकी हैं। हालांकि उसे अब भी दिख रहा है पर वो काफी धुंधला है। नार्सिसा सिस्टर जूलिया को बताती है कि उसने जंग के दौरान चर्च को देखा। वो लोग चर्च लूट रहे थे, मूर्तियां तोड़ रहे थे और एक सिस्टर के साथ रेप भी हुआ था। पर सिस्टर जूलिया इसे भी नार्सिसा का एक और ड्रामा और झूठ बोलकर चली जाती हैं। नार्सिसा वहाँ बैठी बूढ़ी सिस्टर से सिस्टर सोकोरो की तस्वीर मांगती है। नार्सिसा उस तस्वीर को छूती है और नार्सिसा बताती है कि सिविल वॉर के दौरान सिस्टर सोकोरो के साथ गलत हुआ था। इससे सिस्टर सोकोरो गर्भवती हो गई थी और उन्हें एक लड़की हुई थी, पर ये बात दुनिया से छिपा ली गई ताकि चर्च बदनाम ना हो। पुरानी सिस्टर में से ये बात सिर्फ सिस्टर जूलिया, सिस्टर सुपीरियर और बूढ़ी सिस्टर को ही मालूम थी। नार्सिसा अपने कमरे में सिस्टर सोकोरो के भूत को देखती है। सिस्टर सोकोरो अपना हार नार्सिसा को पकड़ा देती है और एक विजन दिखाती है। नार्सिसा देखती है कि एक बच्ची को जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। सिस्टर सोकोरो अपने रूम में बंद है और दरवाजे को जोर जोर से ठोक रही है। सिस्टर सुपीरियर बाहर निकलती है और शोर का कारण पूछती है। सिस्टर जूलिया और वो बूढ़ी सिस्टर जिनके हाथ में छोटी बच्ची है, वो बताती है कि बच्ची को बुखार है और सिस्टर सोकोरो जो कि उसकी माँ है, वो बच्ची को हॉस्पिटल ले जाने की जिद कर रही है, पर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। वहीं सिस्टर सोकोरो अपनी बेटी के पास जाने के लिए रो रही हैं, क्योंकि उनसे उनकी बेटी को जबरदस्ती छीन लिया गया है। तीनों पुरानी सिस्टर एक बार टब में पानी भरती है ताकि उसमें बच्ची को बैठा सके और उसका बुखार कम कर सके, लेकिन छोटी बच्ची विरोध कर रही है और बहुत जोर जोर से उछल रही है और चिल्ला रही है क्योंकि वो अपनी माँ के पास जाना चाहती है। अब पूरे स्कूल में सिस्टर सोकोरो की आत्मा की आवाज गूंजती है। स्कूल के बच्चे काफी डर जाती हैं। दरवाजे खुद ही बंद होने लगते हैं। बच्ची को जोरस्ती नहलाते समय बच्ची का सर बाथटब से टकरा जाता है और सर से खून बहने लगता है। बच्ची की चिल्लाने की आवाज रुक जाती है। सिस्टर सोकोरो समझ जाती है कि बच्ची के साथ कुछ गलत हो गया है और वो बहुत रोती है क्योंकि बच्ची मर चुकी है। सिस्टर सोकोरो वहाँ पड़ी कुर्सी पर खड़े होकर फांसी लगा लेती है और कुर्सी एक बार फिर नीचे गिर जाती है। नार्सिसा भी ये देखकर रो रही है। अब बीते समय में सिस्टर जूलिया सिस्टर सोकोरो के रूम में आती है और वो देखती है कि सिस्टर सोकोरो ने फांसी लगा ली है। अब यहाँ से कहानी दो टाइम जोन में चलेगी, एक तब जब सिस्टर सोकोरो ने फांसी लगा ली है और दूसरा प्रेजेंट टाइम। अब नार्सिसा भी बीते समय पहुंच गई है। वो सिस्टर सोकोरो के रूम पर दस्तक सुनती है और सोकोरो से बात करती है। सोकोरो रूम का दरवाजा खोलने को बोलती है और नार्सिसा भी दरवाजा खोल देती है। और जैसे ही बीते समय में नार्सिसा रूम का दरवाजा खोलती है, दूसरे बीते समय में सिस्टर सोकोरो वापिस जिंदा हो जाती है और शैतानी हंसी हंसती है। आज के समय में नार्सिसा सिस्टर जूलिया से मिलती है और बताती है कि उन्होंने सिस्टर सोकोरो के रूम का दरवाजा खोल दिया है, पर सिस्टर जूलिया कुछ समझ नहीं पाती। अब बीते समय में सोकोरो का भूत सिस्टर जूलिया का पीछा करता है और वही भूत सिस्टर जूलिया को आज भी दिखता है। सिस्टर जूलिया अपनी जान बचाने के लिए भागती है। उधर सिस्टर सुपीरियर पुराने समय में बाथटब के पास है और बाथटब का पानी लाल है। सिस्टर जूलिया भी पुराने समय में भाग कर बेसमेंट में पहुँचती है जहाँ पुरानी मूर्तियां रखी हैं। और इस समय में सिस्टर जूलिया क्लासरूम में पहुंचती है जहां बोर्ड पर उनका नाम लिखा जा रहा है, यानी अब वो भी श्रापित हो गई हैं। पुराने समय में सिस्टर सुपीरियर पानी में देखती हैं, तभी दो हाथ बाथटब से निकलते हैं और सिस्टर सुपीरियर को पानी में खींच लेते हैं। और आज के समय में सिस्टर सुपीरियर के मुंह से खून निकलने लगता है। सिस्टर जूलिया के मुंह पर पुराने समय में एक कट लगता है और खून आज के समय की सिस्टर जूलिया के फेस से निकलता है। दूसरी तरफ सिस्टर सुपीरियर पुराने समय में बाथटब में डूब रही हैं और खून उनके मुंह से आज के टाइम में निकल रहा है और सिस्टर सुपीरियर अपने डेस्क पर खून की उल्टी करते हुए मर जाती हैं। दूसरी तरफ बीते समय में सिस्टर जूलिया के पास सिस्टर सोकोरो की आत्मा आती है। सिस्टर जूलिया आत्मा से डर कर एक एंजल की मूर्ति के नीचे आ जाती है। वो एंजल की मूर्ति सिस्टर जूलिया के ऊपर गिर जाती है और सिस्टर जूलिया की मुंह की हड्डी आज के समय में टूट जाती है और सिस्टर जूलिया भी मारी जाती हैं। सिस्टर नार्सिसा देखते हैं कि सिस्टर सोकोरो की आत्मा बाथटब में अपनी बेटी की आत्मा उठाती है और एक प्रकाश में खो जाती है। और हमें मालूम पड़ता है कि बचपन में सिस्टर नार्सिसा ने मदर मैरी की नहीं बल्कि सिस्टर सोकोरो की आत्मा को देखा था, क्योंकि ठीक उसी समय सिस्टर सोकोरो ने फांसी लगा ली थी और उनकी आत्मा ने नार्सिसा को अपनी मदद के लिए चुना था। और सिस्टर सोकोरो की आत्मा और उनकी बेटी की आत्मा को मिलाना ही सिस्टर नार्सिसा के जीवन का लक्ष्य था, जिसके लिए भगवान ने उन्हें यहाँ भेजा था। अब बहुत समय बीत चुका है, साल 1991 है।
अब सिस्टर नार्सिसा भी बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और उन्हें एक स्कूल में टीचर के तौर पे इनवाइट किया गया है। क्लास में दो लड़कियां सिस्टर नार्सिसा को देखकर उनको सिस्टर डेथ कहकर नार्सिसा का मजाक बनाती है। सिस्टर नार्सिसा उनकी तरफ देखती है, इससे आगे वाली लड़की कुछ परेशान हो जाती है। सिस्टर नार्सिसा उसे देखकर मुस्कुराती है और वो लड़की कोई और नहीं वेरोनिका थी, जिसके ऊपर एक फिल्म वेरोनिका बनी थी जो कि रियल लाइफ गोस्ट स्टोरी है, और इसके साथ ही ये फिल्म भी एंड हो जाती है।